लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। लिमरा न्यूज पर और बहुत सारे लोग जो अभी तक जुड़े हुए थे, आइए हम कुछ और स्टूडेंट से भी बात करते हैं। वो शायद वो हमसे बात करना चाहें कि आज उनकी कामयाबी को हम अपने चैनल के जरिए जोड़ सकते हैं। दिव्यांशी, आपने बीए में टॉप किया हुआ है, तो yes, पहले तो ये कि आपकी जो पहला जो आपका एक्सप्रेशन हमारे चैनल को होगा वो क्या होगा? सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे बोलने के लिए। सर, मैं अपनी सबसे पहले तो मैं अपनी कामयाबी जो भी मुझे अचीव हुई है, मैं अपनी फैमिली को बहुत थैंकफुल मैं मानती हूँ, और मेरे टीचर्स, मेरी सिस्टर्स, मेरे गार्जियंस, सब लोग बहुत 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 थैंकफुल हूँ मैं उनकी। और सर, मैं यही कहूँगी कि आप लोग कभी हारिए मत, आप लोगों को मौका मिलेगा बहुत कुछ करने को, लेकिन लाइफ है, लाइफ में तो अप डाउन्स होते रहते हैं, तो इसलिए बस मैं ये कहना चाहूँगी कि निरंतर प्रयास करते रहिए। अच्छा, ये प्रयास जो है दिव्यांशी, ये कहाँ तक जाएगा? आईएएस के रूप में हम आपको देख सकते हैं या कुछ और सोचा है? एकेडमिक में जाना है, प्रोफेसर बनना है, क्या ख्वाब है जो आपके भविष्य के जो ताने बाने के साथ जोड़ रहे हैं? सर, एक्चुअली मेरा जो ड्रीम है वो प्रोफेसर का है, और मैं हिंदी लिटरेचर एलयू की स्टूडेंट हूँ, एमए मास्टर्स चल रहा है मेरा। That's great. चलिए, इसकी मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाओ उस चीज़ पे। और हम लोग ही हैं जो अपने देश को और अपने आने वाले फ्यूचर के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं अपनी आज की परफॉर्मेंस देख के, तो इसलिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप सब जो भी हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, और अचीवमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। मैं एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ, आइडियल होता है ज़िंदगी का कोई, आपके आइडियल कौन है? सर, मेरे आइडियल, मैं अपनी सिस्टर्स को मानती हूँ, मेरे गार्जियंस को मानती हूँ, और मेरे भगवान हैं सबसे पहले तो मैं उनको मानती हूँ। मेरे टीचर्स को तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मैं उनका बता नहीं सकती। सर, मेरे तो बहुत ऐसे, मैं किसी को बोलूंगी नहीं कि मेरा एक आइडियल नहीं, मेरे बहुत सारे हैं। तो चलिए, ज़िंदगी में एक बहुत सारी। तो दिव्यांशी ने बड़ी खूबसूरती से बात किया, और हम इनके रोशन भविष्य के लिए इनकी शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क का एक खूबसूरत होनहार टीचर के तौर पर हम उनको देखेंगे, और फिर हम उनसे इंटरव्यू करेंगे ज़रूर। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम और लोगों से भी बात करेंगे। मैंने किससे किया? बीए से, यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन किया है। कितने यहाँ पे टॉप किया है? यस सर। फिर अभी किस सब्जेक्ट को आपने चुना, और यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी? लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री से एमए कर रहे हैं। क्या ख्वाब है, क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटेटिव एग्जाम आईएएस आईएएस के लिए पढ़ना है। तो अभी उसकी तैयारी शुरू की कि आगे आने वाले दिनों? अभी तैयारी शुरू करनी है, अभी शुरू की नहीं है, अभी शुरू करनी है। फादर क्या करते हैं आप? फादर एक्सपायर हो चुके। I'm sorry. बहरहाल, आपको बहुत सारी दुआएं, और बहुत सारी आप अपने मकसद में कामयाब हों, और बढ़कर अपनी तरक्की को आगे किसी तरह शेयर करें। क्या इस तरीके से शुरुआत में ही आपको ये लगा कि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अपना वो बनाना है? कैसे आपको इस जहन में आया इस तरह? काफ़ी चीज़ें मतलब देखी, जब टीचर्स से मोटिवेशन मिला, उससे डिसाइड किया कि इस फील्ड में जाना है। यहाँ से उन बच्चों, उन तलबात, उन तालिबात के लिए बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद जिन्होंने नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ बीओएमएस की टॉपर डॉक्टर साहब, नाम क्या आपका? डॉक्टर दरक्षा। बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपकी इस कारकर्दगी की मुबारकबाद अपने चैनल की तरफ से और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनकी तरफ से। पहला सवाल आपसे ये है कि इस कामयाबी पर सबसे पहला जो आपका तासर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक माई प्रिंसिपल सर, जनाब अब्दुल हलीम साहब, एंड देन माई पेरेंट्स, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देम आई एम हेयर, एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन। बीओएमएस तक आने का सफ़र कैसा रहा? अमेजिंग था, बहुत अच्छा रहा। थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ भी हुई, सब प्रॉब्लम्स होती रही उसमें, फिर बाद में अल्टीमेटली अच्छा था। सब क्योंकि मेडिकल में फील्ड में आने में सबसे अहम ये होता है कि पहला जो ख्वाब होता है वो एमबीबीएस का होता है। क्या आप उस ख्वाब से निकल कर इधर तक आई, या आपका ख्वाब था कि नहीं हमें किसी भी स्ट्रीम में अपना मेडिकल टर्म पूरा करना है? नहीं, ख्वाब तो मेरा एमबीबीएस था, बट स्टिल दिस वाज आल्सो मुतमईन है। हाँ। अच्छा, पीजी करने का कोई इरादा? यस ऑफ कोर्स। तो अभी तक कोई कॉलेज आपके जहन में? अभी तो नहीं, आई एम वर्किंग फॉर इट।
ये अभी सिर्फ मेडिसिन में जाएंगे या जरात की तरफ भी बढ़ेंगे? मेडिसिन